महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के श्री वसंतराव नाईक सरकारी अस्पताल में गुरुवार को एक मरीज ने रेजिडेंट डॉक्टर पर चाकू से हमला कर दिया। डॉक्टर के बचाव में एक और डॉक्टर घायल हो गया। इस घटना के विरोध में डॉक्टरों ने आज हड़ताल की घोषणा की है। गंजावाला में लड़की को गाड़ी से घसीटने और मौत के मामले में छठे आरोपी आशुतोष को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार जिस कार से युवती को घसीटा जा रहा था वह आशुतोष की ही थी। हरियाणा में कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत सनोली पानीपत रोड से की है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है। सुबह सुबह दिल्ली के कई इलाकों में धुंध देखने को मिली, वहीं पारा गिरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मकर संक्रांति से पहले सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थीम पर बनी पतंगों की शहर में मांग बढ़ी है। इस मौके एक स्थानीय ने बताया, इस साल गुजरात में मोदी जी काफी छाए हुए हैं, उनकी तस्वीर वाली काफी पतंगे आई हैं, हमने भी वो पतंग खरीदी है। पंजाब के बठिंडा शहर में घने कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके एक स्थानीय ने बताया, बठिंडा में काफी कोहरा है, एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति नहीं दिख रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी भवनों में गाय के गोबर से बने जैविक पेंट का उपयोग शुरू कर दिया है। इस मौके रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन ने इस पेंट को सरकारी भवनों के लिए अनिवार्य कर दिया है। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ा हादसा हो, एक ट्रेनी प्लेन मंदिर के गुबन से टकरा कर क्रैश हो गया, जिससे प्लेन में मौजूद पायलट और प्रशिक्षु गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में सीनियर पायलट की मौत हो गई। अमेरिका में एक 42 साल के व्यक्ति ने यूटा में अपने घर के अंदर पत्नी, 5 बच्चों और सास को गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये घटना हनोक शहर में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में होने वाले मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वहीं पीएम कल यानी कि शनिवार को भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में 200 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं।